प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी सात प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में नवी कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज और साथ ही इन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय गणितीय आगमन का सिद्धांत। हम इस अध्याय का पहला तथा दूसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजे साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के गणित का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पार्ट को हमने दो भागों में बांटा है। आज हम इस पार्ट का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, कार्तीय पद्धति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इस वीडियो में हमें आपको निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से परिचित कराना है। इसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति को। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानने से पहले हम यह जानेंगे कि यदि कोई हमसे हमारा पता पूछता है तो हम इसका जवाब किस प्रकार देते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दो दोस्त दिख रहे हैं, एक का नाम है सीता और दूसरे का नाम है गीता। यहाँ पर सीता गीता का पता पूछना चाहती है, तो देखिए गीता ने किस प्रकार उसे अपना पता बताया है। सबसे पहले दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं, फिर सीता गीता से पूछती है कि आप कहाँ रहते हो। तो गीता ने जवाब दिया, मैं ग्रीन पार्क में रहती हूँ। यहाँ पर आपको ग्रीन पार्क का नक्शा दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन पार्क में 4 मार्ग हैं और चारों मार्ग में 3-3 घर हैं। तो क्या सिर्फ यह कह देना कि मैं ग्रीन पार्क में रहती हूँ सीता को गीता का पता मिल जाएगा? नहीं। इसलिए सीता ने दोबारा पूछा कि ग्रीन पार्क में आप कहाँ रहते हो। तो गीता ने जवाब दिया, घर नंबर 2। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे नक्शे में तो आपको दिखेगा कि घर नंबर 2 चारों मार्ग में है, पर इसमें से गीता का घर कौन सा है? सीता को अपना जवाब अभी भी नहीं मिला, तो उसने गीता से फिर से पूछा कि घर नंबर 2 तो सभी मार्ग में है, आप कौन से मार्ग के घर में रहते हो? फिर गीता ने जवाब दिया कि मैं मार्ग नंबर 2 के घर नंबर 2 में रहती हूँ, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह गीता ने सीता को अपना पता बताया। इस उदाहरण में आपने देखा कि किस तरह पता बताने के लिए दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना अवश्य होता है, यानी कि हमें एक स्थान निर्दिष्ट करने के लिए दो संदर्भ बिंदु चाहिए। उसी तरह बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना अवश्य है और उन स्वतंत्र सूचनाओं को निर्देशांक के रूप में जाना जाता है। आपने अपने पिछले पाठ में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर भी हम दो तरह की संख्या रेखा को लेने वाले हैं। पहला है क्षैतिज संख्या रेखा x x' जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, और दूसरी संख्या रेखा है हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा y y' जो कि इस तरह की दिखती होगी। जब हम इन दोनों संख्या रेखा को शून्य पर लाकर मिला देंगे तो हमें एक कार्तीय तल मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में
प्रयुक्त पद्धति को दकार्ति के समान में कातेर्य पद्धति भी कहा जाता है। चलिए अब हम कातेर्य तल की कुछ विशेष बिंदुओं को जानते हैं। ये रहा हमारा कातेर्य तल। कातेर्य तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, और वह बिंदु जहां दोनों संख्या रेखा एक दूसरे को काटती है वह बिंदु होता है हमारा मूल बिंदु। x अक्ष में जब आप दाईं ओर जाएंगे तो आपको धनात्मक x अक्ष मिलेगा, और जब आप x अक्ष में बाईं ओर जाएंगे तो आपको ऋणात्मक x अक्ष मिलेगा। उसी प्रकार जब आप y अक्ष ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको धनात्मक y अक्ष, और जब आप y अक्ष के नीचे ओर जाएंगे तो आपको जो रेखा मिलेगी वो होगी ऋणात्मक y अक्ष। यदि आप कातेर्य तल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि दोनों अक्ष तल को चार भागों में विभाजित करती है। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। OS के वामावर्त दिशा में इन्हें 1, 2, 3 और 4 चतुर्थांश कहा जाता है। धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष में जो चतुर्थांश है वो होता है हमारा चतुर्थांश 1, और ऋणात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष में जो हमारा चतुर्थांश आता है वो है चतुर्थांश 2। उसी प्रकार ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष में जो हमारा चतुर्थांश आता है वो है हमारा चतुर्थांश 3। उसी प्रकार धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष में जो हमारा चतुर्थांश आता है वो है चतुर्थांश 4। इस प्रकार तल में दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं। इस तल को हम कातेर्य तल, निर्देशांक तल या फिर xy तल कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। अब हम कातेर्य तल पर एक बिंदु दी हुई होगी जिसका नाम है P, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये रहा हमारा कातेर्य तल जहाँ बिंदु P यहाँ पर स्थित है। तो चलिए अब हम इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कातेर्य तल पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें उस बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक पहले ज्ञात करने पड़ेंगे। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु P से x अक्ष और y अक्ष पर लंब खींचेंगे। चलिए बिंदु P से लंब खींचते हैं x अक्ष पर, जो कि होगा PN। उसी तरह अब हम बिंदु P से लंब खींचेंगे y अक्ष पर, जो कि होगा PN। अब ये दोनों लंब x अक्ष और y अक्ष को जिस संख्या पर काट रही होगी वो संख्याएं हो जाएंगी हमारे बिंदु P की निर्देशांक। जैसे कि PN लंब x अक्ष को 3 पर काट रही है तो हमारे बिंदु P की x निर्देशांक हो गई है 3। उसी तरह बिंदु P से y अक्ष पर यह लंब इसे 4 पर काट रही है तो हमारे बिंदु P के निर्देशांक हो गए 3 और 4। तो इस तरह हम कातेर्य तल पर कहीं भी कोई बिंदु दी हुई हो तो उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। निर्देशांक को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। जहां 3 है हमारा भुज, यानी कि x निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। उसी प्रकार 4 है हमारा कोटि, यानी कि y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। चलिए एक बार और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ये रहा हमारा कातेर्य तल जहाँ पर बिंदु P यहाँ पर स्थित है। अब हम बिंदु P से एक लंब खींचेंगे x अक्ष पर और फिर y अक्ष पर। हमने एक लंब खींचा PN x अक्ष पर और दूसरा लंब हमने खींचा है y अक्ष पर PM। PN लंब x अक्ष को -3 पर काट रही है और PM लंब y अक्ष को 4 पर काट रही है, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक हो गए -3, 4।
तो इस तरह हमने एक और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात और इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, कार्तीय पद्धति। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि उसके निर्देशांक दिए हुए हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत भाग एक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत की परिभाषा तथा उसका सूत्र। अब दोस्तों, हम लोगों ने बचपन से ही गणित में कई प्रकार के सूत्र यानी इक्वेशंस पढ़ी हैं और एक सूत्र को हम गणित का एक कथन भी बोलते हैं। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम गणित के कुछ सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास उदाहरण के लिए विषम संख्याओं का योग होगा 1 + 3 + 5 up to 2n-1 जो कि बराबर होता है n स्क्वायर के, और यह सूत्र सदैव विषम संख्याओं के लिए सही है। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। गणित की कुछ अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम कथन होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि यह ऊपर विषम संख्याओं के योग की इक्वेशन व्यक्त है। अतः ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक पर आधारित समुचित सिद्धांत है जो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। दोस्तों, याद रखिए कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में हमेशा हम तीन चरणों में दिए गए सूत्र को सिद्ध करेंगे। अब कल्पना कीजिए कि एक धन पूर्णांक Pn से संबंध एक दिया गया कथन कुछ इस प्रकार है, यानी 1 + 3 + 5 up to 2n-1, यानी विषम संख्याओं का योग जो कि बराबर होगा n स्क्वायर के। अब हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के तीन चरण देख लेंगे। अब पहले कदम में n बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य है, यानी P(1) सत्य है, अर्थात यह मूल चरण कहलाता है जब P(1) सत्य होगा। जब हम किसी सूत्र में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वहां से P(1) हमें सत्य मिल जाएगा और इस चरण को हम मूल चरण बोलेंगे। दूसरा कदम
अब हम एन बराबर के लिए इसे सत्य मान लेंगे, जहां के एक प्राकृत संख्या है, यानी पी ऑफ के को सत्य मान लेंगे। इस आगमन चरण में एन बराबर के लिए कथन सत्य है कि अभिधारणा को हम आगमन परिकल्पना के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें हम ऐसा मानेंगे कि n बराबर के लिए यह कथन सत्य है। अब तीसरा कदम। अब यदि n बराबर के लिए कथन सत्य है, तो निश्चित ही n बराबर के प्लस वन के लिए भी कथन का सत्य होना आवश्यक है। अर्थात बहुत ध्यान से सुनिएगा, P of K की सत्यता का तात्पर्य यह है कि P of K plus 1 भी सत्य होगा ही होगा। अतः हमें तीसरे कदम में ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है, और इसे हम आगमन चरण यानी इंडक्शन स्टेप बोलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार गुणधर्म की सत्यता को सिद्ध करने के लिए केवल प्रतिबंधित साध्य यानी कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, जो कि हमारा दूसरा चरण था, जहां हमने n बराबर k लिया था, अर्थात p ऑफ k को सत्य माना था। तो दोस्तों, याद रखिए कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में हमेशा तीन चरणों में सूत्र को सिद्ध करेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा गणितीय आगमन की परिभाषा तथा उसका सूत्र। अगली वीडियो में हम उदाहरण द्वारा सूत्र को सिद्ध करना सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों,
आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत भाग दो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम गणितीय आगमन का सिद्धांत समझेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण एक है, सभी n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1+3+5+2n-1=n2, यानी विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होगा। यह हमें प्रूव करना है। अब हल देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न को कुछ इस प्रकार हम पी ऑफ एन की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी पी ऑफ एन जो कि हुआ 1+3+5+2n-1=n2 के। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, पहला कदम हमेशा पी ऑफ एन में एन बराबर 1 डालने पे होगा, यानी सिर्फ पहली संख्या लेंगे। तो पी ऑफ 1 हुआ 1=1 स्क्वायर। हमने n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 डाली, अतः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल गई। इस प्रकार हमने ये प्रूव किया कि p ऑफ 1 हमेशा सत्य है। अब दूसरा चरण, जैसा कि हमने पढ़ा था, हम n को k के बराबर मान लेते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि p ऑफ k को हम सत्य मान लेते हैं। तो p ऑफ k का मतलब यह हुआ कि दिए गए सूत्र को हम kth टर्म तक लिखेंगे, यानी p ऑफ k जो कि हुआ 1+3+5+2k-1=k2। यहां हमने n की जगह k रख दिया और इसे हम समीकरण 1 बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है ये। तीसरा चरण, हमने n बराबर k में इस सूत्र को डालकर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना। तो हमने p ऑफ k प्लस 1 की सत्यता को सिद्ध करना है जब p ऑफ k हमने सत्य मान लिया है। तो p ऑफ k प्लस 1 यानी सूत्र में k प्लस 1th संख्या तक विषम संख्याओं का योग, जो कि बराबर होगा 1+3+5+2k+1-1, यानी n की जगह k प्लस 1 रखा है। और यह हुआ समीकरण 2। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कदम के समीकरण 1 से p ऑफ k में दोनों साइड LHS और RHS में 2k+1-1 ऐड कर देता हूं, यानी 1+3+5+2k-1 जो संख्या ऐड की है, यानी 2k+1-1=k2 प्लस जो संख्या ऐड की है 2k+1-1। तो दोस्तों, आप यहां ध्यान देंगे तो LHS p ऑफ k प्लस 1 के बराबर होगा, क्योंकि p ऑफ k प्लस 1 यानी k प्लस 1th टर्म तक का योग, जिसमें kth टर्म भी आएगी। तो बहुत ही आसानी से मैंने p ऑफ k को p ऑफ k प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 2k+1-1 दोनों साइड यानी LHS और RHS में ऐड करके। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं तो वह आएगा k2+2k+2-1, यानी k2+2k+1 जो कि k+1 होल स्क्वायर का सूत्र होगा। LHS हमने सिद्ध किया है कि वह है p ऑफ
के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन बराबर के प्लस वन का स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया, यानी हमने कथन k प्लस वन को सत्य सिद्ध किया जबकि हमने p ऑफ k को सत्य माना था। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन p ऑफ n हमेशा सत्य है। आइए अब उदाहरण दो देख लेते हैं। सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए सिद्ध कीजिए कि एक भाग एक इंटू दो प्लस एक भाग टू इंटू थ्री अप टू सो ऑन प्लस एक भाग एन इंटू एन प्लस वन बराबर होगा एन भाग एन प्लस वन के। अब दोस्तों जैसा कि पिछला उदाहरण किया ठीक उसी प्रकार हम पी ऑफ एन को लिख लेंगे एक अपॉन 1 इंटू टू प्लस 1 अपॉन 2 इंटू थ्री अप टू सो ऑन टिल 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन बराबर n अपॉन n प्लस वन। तो अब पहला चरण जहां हमें पता है हम n को 1 के बराबर मानेंगे यानी इस सूत्र में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह होगा p ऑफ 1 बराबर 1 अपॉन 1 इंटू टू जो कि आएगा 1 बाय दो जिसे हम तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं एक अपॉन एक प्लस एक जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः p ऑफ n में n बराबर एक डालने से p ऑफ n सत्य सिद्ध हो गया। अब दूसरा कदम n बराबर k डाल लेते हैं अतः p ऑफ k को हम सत्य मान लेते हैं तो p ऑफ k हुआ एक अपॉन एक इंटू दो प्लस एक अपॉन दो इंटू तीन अप टू सो ऑन टिल एक अपॉन k इंटू k प्लस वन विच इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस वन और इसे हम समीकरण एक बोलेंगे। अब तीसरा चरण यानी n बराबर k प्लस वन के लिए हमें LHS और RHS सत्य सिद्ध करना है तो p ऑफ k प्लस वन बराबर होगा तो p ऑफ k प्लस वन की सत्यता को सिद्ध करना है जबकि p ऑफ k हमने सत्य माना है अर्थात p ऑफ k प्लस वन हुआ एक अपॉन वन इंटू टू प्लस एक अपॉन टू इंटू थ्री अप टू सो ऑन एक अपॉन k प्लस वन इंटू k प्लस वन बराबर k प्लस वन अपॉन k प्लस वन प्लस वन और यह समीकरण दो हुआ। अब ठीक पिछली उदाहरण की तरह ही मैं समीकरण एक में दोनों साइड वन अपॉन k प्लस वन इंटू k प्लस वन ऐड कर दूंगा यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ताकि लेफ्ट हैंड साइड p ऑफ k प्लस वन के बराबर हो सके और अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो यहां हम एलसीएम लेंगे तो यह आएगा k इंटू के प्लस टू प्लस वन अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू जो कि हुआ k स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू जिसे हम लिखेंगे k प्लस वन का स्क्वायर अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू जो कि आएगा k प्लस वन अपॉन k प्लस टू। अब इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं यानी k प्लस वन अपॉन k प्लस वन प्लस वन यानी p ऑफ k प्लस वन बराबर हो गया k प्लस वन अपॉन k प्लस वन प्लस वन जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। अतः हमने कथन k प्लस वन को सत्य सिद्ध किया जबकि हमने p ऑफ k को सत्य माना था। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी पूर्णांकों n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कथन p ऑफ n सत्य है। इस वीडियो में हमने उदाहरण के माध्यम से
गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा। धन्यवाद दोस्तों। एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने नवी कक्षा में पढ़ा गणित का अध्याय निर्देशांक ज्यामिति, साथ ही 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा गणित का अध्याय गणितीय आगमन का सिद्धांत। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल नवी कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय उत्तक, साथ ही 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय समतल में गति। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की, जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर DigiSat इक्वेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।